माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर एक लकड़ी का एक खिलौना दिया हुआ है, ये कोई आर्टिकल दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई दी हुई है और जिसका व्यास दिया हुआ है, और इसमें से जो है ये दो टुकड़े काट दिए गए हैं अर्धगोलाकार। उसके बाद में जो आपका बचता है आकार, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए आपको सिलेंडर जो एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसके बाद में जो है ये जो अर्ध गोलाकार एरिया जो काटे गए हैं उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो बचा हुआ जो एरिया है उसका टोटल एरिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिए, आपको पूरा इसका सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। हिंदी के विद्यार्थी जो है वो भी इस प्रकार से इसका आंसर परीक्षा में लिख सकते हैं, इसको पढ़ करके समझ लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके या ऐसे ही पढ़ लें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप वीडियो देखना जारी रखिए, हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, ये जो एरिया टोटल है इसमें से ये निकाल देना है। एक सिलेंडर है पूरा, इस सिलेंडर में से ये जो अर्ध गोलाकार ये दो आइटम है, इन दोनों आइटम को काट दिया गया है। तो आपको जो एरिया बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो ये एरिया बचेगा, एक ये एरिया बचेगा, और उसके बाद में सिलेंडर का एरिया बचेगा ये अंदर से पूरा, ठीक है, और इसके बाद ये नीचे का जो ये है इसका एरिया बचेगा। तो आपको इन तीनों को जोड़ देना का है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगी, एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का ले लिया। उसके बाद में इसमें आप जोड़ दीजिए ये जो अर्ध गोलाकार है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये दो है इसलिए इसको आप दो से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2πRh सिलेंडर का हो गया, प्लस ये जो है 2, और 2 को गुणा कीजिए आप इससे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोलाकार, तो इसका क्या होता है 2πr² ओके। इसको आप जो है हल कर लीजिए, कुछ नहीं है, 2 का 2 लिख दीजिए, पाई का 22/7 आर, अब आर कितना है देखो इसमें लिखा है त्रिज्या 3.5 है दोनों की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, तो 3.5 लिख दीजिए, और एच यानी हाइट, और हाइट भी आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है आपके 10 सेंटीमीटर, तो आप ये एच की जगह 10, ये तो आपका ये पार्ट हो गया। इसमें आप पाइए प्लस, ओके, प्लस में क्या है 2 × ये 2 है, पाई मतलब 22/7 और × आर, आर का वही 3.5, और 3.5 आर स्क्वायर है तो फिर 3.5, बस इसको सोल्व कर लीजिए आपका एरिया आ जाएगा। देखिए 3.5 को 7 से काटा तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से काटा तो कट जाएगा, अब आपका 22/10 इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 220, ओके, प्लस में। अब आप इधर आइए, इधर में देखिए वही इसको काट दो, 2 को 2 से काट दो, 22 × 44, ठीक है, तो ये आपका जो है 44 को आप 3.5 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, 220 और 154 को 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपको मिल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल, काट पीट के बाद में जो आर्टिकल बना आपका उसका ये आपको एरिया आ गया। आ गया ना समझ में, अगर अभी भी कोई डाउट हो, आ गया ना समझ में, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो ये यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है, वही आंसर जो पहले हमने बताया था, फिर इसको एक बार रेफर कर सकते हैं और आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।